सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए आज मैं ये पैटर्न लेकर आई हूँ, बहुत प्यारा सा पैटर्न है, मल्टी कलर पैटर्न है। अगर आपके पास ढेर सारे ऊन बचे हुए हैं थोड़े थोड़े से, तो आप एक प्राइमरी कलर लें और उसके साथ इस पैटर्न को बनाएं तो स्वेटर बहुत ही सुंदर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने ब्लू के साथ येलो और रेड को कलर को कंबाइन किया है और देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बना है। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये बहुत ही आसान पैटर्न है। तो चलिए हम इस पैटर्न को बनाना सीखेंगे। और हाँ, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, 10+10 करके, और दो फंदे एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए। 16 लाइन में ये पैटर्न कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक 16 लाइन करके हमने बुनना है। 8 लाइन में पैटर्न बनता है, फिर अगले 8 लाइन में हम पैटर्न को रिपीट करते हैं जगह को चेंज करके, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, इस तरह से। तो 16 लाइन का ये रिपीट पैटर्न है। तो चलिए हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। और पैटर्न बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको यह पैटर्न कैसा लगा। पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 10 के मल्टीपल में 20 फंदे डाले हैं और दो फंदे एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए। तो टोटल हो गया मेरे 22 स्टिचेस जिन पे हम पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने से पहले हम दो सिलाइयाँ इस तरह बुनेंगे कि सीधी तरफ सारे फंदे उल्टे उल्टे नज़र आए। तो फर्स्ट रो हम उल्टा उल्टा बुन कर पूरा करेंगे। सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड से भी हम सारे फंदे सीधा सीधा बुनेंगे ताकि राइट साइड की तरफ फंदे उल्टे नज़र आएं। ये हमारी बेस लाइन हो जाएगी, इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। हम सारे फंदे सीधा सीधा बुनकर पूरा कर लेते हैं। ये दो लाइन हमने इस तरह बुन ली है कि सीधी तरफ से सारे फंदे उल्टे उल्टे नज़र आ रहे हैं। अब हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। पैटर्न की पहली रो हमारी राइट साइड की होगी और ये हमने प्राइमरी कलर से ही बुनना है। यहाँ पर हमने स्काई कलर एज ए प्राइमरी कलर सेट किया है। तो फर्स्ट रो हम कैसे बुनेंगे, पहला फंदा हमने स्किप करना है, ऊन पीछे, एक सीधा, एक फंदा सीधा बुनने के बाद ऊन आगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुनने हैं। एक फंदा हमने स्किप किया, एक फंदा सीधा, ये जाली के द्वारा हमने एक फंदा बढ़ाया और उसके बाद 3 फंदे सीधे, 3 फंदे एक साथ, एक साथ इस तरह बुनेंगे कि बीच वाला फंदा आगे की तरफ हो जाए। इस फंदे को पहले हम आगे कर लेंगे ऐसे और इन 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बुने थे तो यहाँ पर भी 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन आगे, एक जाली और फंदा भी बढ़ेगा, एक बार फिर ऊन आगे और यहाँ पर फंदा बढ़ाते हुए 3 सीधा, 1 2 3, 3 फंदे एक साथ। बीच वाला फंदा को पहले आगे करेंगे और इन 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे, ऊन आगे, एक सीधा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। सारे फंदे हमने सिंपल तरीके से उल्टा बुन लेना है। हम उल्टा बुनकर सेकेंड रो को पूरा कर लेते हैं। थर्ड रो एक बार फिर से हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा हमने स्किप कर देना है, दूसरा फंदा सीधा,
तीसरा फंदा भी सीधा, ऊन आगे जाली बनाते हुए दो फंदे सीधा बुनेंगे, वन टू, तीन फंदे एक साथ, बीच वाला फंदा आगे करके। ये तीन फंदे एक साथ, दो फंदा सीधा, ऊन आगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद एक बार फिर ऊन आगे, दो फंदे सीधे, और ऊन आगे रहेगा तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा, वन टू, तीन फंदे एक साथ, दो फंदे सीधे, ऊन आगे, एक सीधा बुनेंगे तो फंदा बढ़ जाएगा। हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो रॉन्ग साइड की, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। फिफ्थ रो राइट साइड की है, पहला फंदा हमने स्किप कर देना है, वन टू थ्री, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद हम जाली बनाएंगे, ऊन आगे, एक सीधा, तीन फंदे एक साथ, बीच वाले फंदे को आगे करके एक साथ बुनेंगे इस तरह से। एक सीधा, यहाँ पर हमने जाली बनाकर फंदा बढ़ाना है, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद एक बार फिर ऊन आगे करके बुनेंगे ताकि जाली बन जाए और फंदा बढ़ जाए। एक फंदा हमने बुन लिया, तीन फंदे एक साथ, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक सीधा, दो और ये तीन। ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। सिक्स्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। अब हमने सिक्स्थ रो में ऊन का रंग चेंज करना है, रॉन्ग साइड में हमने चेंज करना है, राइट साइड में नहीं। तो यहाँ पर हम इसमें रेड कलर का ऊन जोड़ते हैं। आप अपने पसंद का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकती हैं, ये आपके पसंद पर डिपेंड करता है। ये हमने जोड़ लिया। अब हम रेड कलर से बुनाई करेंगे सिक्स्थ रो में। पहला फंदा उल्टा, सेकंड स्टिच भी उल्टा, थर्ड और ये फोर्थ, चार फंदे उल्टे बुनने के बाद तीन फंदे हम स्किप करेंगे, यानी बिना बुने उतार लेंगे। एक बार फिर उल्टा बुनना शुरू करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात फंदे बुनने के बाद तीन फंदे बिना बुने उतार लेंगे। एक बार फिर उल्टा बुनना शुरू करेंगे रेड कलर से, वन टू थ्री फोर फाइव। ये हमारी सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गई। सेवेंथ रो हमारी राइट साइड की है, जिसे हमने रेड से बुनना है। पहला फंदा स्किप करेंगे, ऊन आगे, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये तीन फंदे हमारे स्काई कलर के हैं, ऊन पीछे, इन्हें ऐसे ही हम उतार लेंगे। फिर से सारे रेड फंदे उल्टे बुने जाएंगे। और जब स्काई कलर के फंदों को उतारना होगा तो पहले हम उनको पीछे करेंगे और उसके बाद इन्हें दाहिनी सिलाई पर डालेंगे, वन टू थ्री फोर। ये हमारी सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई। एट्थ रो हमारी
रॉन्ग साइड की है जो हमें स्काई कलर से बुनेंगे। ये देखिए 6-7 रो हमने रेड कलर से बुना, लेकिन 8th रो अब हम फिर से स्काई कलर से बुनेंगे। सिर्फ 2 लाइन हमें सेकेंडरी कलर से बुनना है और बाकी सारी बुनाई हमने प्राइमरी कलर से करनी है। सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर पूरा कर लेते हैं। 9th रो राइट साइड की है, पहला फंदा स्किप करेंगे, 2 फंदे एक साथ। यहाँ पर चूंकि हमारे पास 3 फंदे नहीं हैं, इसलिए हम 2 ही फंदे एक साथ बुनेंगे। 1, 2, 3, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। ऊन आगे, देखिए हमारा पैटर्न तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जगह चेंज हो रहा है। ये वाला जो लाइन है ये अब बीच में चला जाएगा, और यहाँ पर जो हमने जाली बनाई थी इधर और इधर, वो अब यहाँ पर और यहाँ पर बनने लग जाएगा। तो ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए और यहाँ पर हम जाली बनाएंगे। जाली बनाकर एक सीधा, फिर से ऊन आगे, 1, 2, 3। और ये जो 3 फंदे एक साथ हम बुनते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर जो हमने बुना था 3 फंदे एक साथ, अब यहाँ पर बीच में बुनेंगे। तो जगह चेंज हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर बन रहा था, अब यहाँ पर बनेगा। 3 फंदे एक साथ बुनने से पहले बीच के फंदे को हम आगे करते हैं, आगे कर लेंगे। और ये तीनों फंदे एक साथ, फिर से 3 फंदे, 3 फंदे सीधा बुनने के बाद, देखिए ये चेन वाला आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमें जाली बनानी है इस फंदे से पहले और इस फंदे के बाद। पहले हमने बना लिया और बाद में भी बना लेंगे, 1, 2, 3। ये 2 फंदे एक साथ, नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। 10th रो रॉन्ग साइड के सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 11th रो राइट साइड की है, पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है, 2 फंदे एक साथ। 2 फंदे सीधे, ऊन आगे, 1, 2, 3। 3 फंदे एक साथ, सॉरी 3 फंदे सीधा बुनने के बाद फिर से जाली बनाएंगे, 1, 2। और ये 3 फंदे एक साथ, 1, 2। ऊन आगे, जाली, और 1, 2, 3। एक बार फिर ऊन आगे, जाली बनाते हुए, 1, 2। और ये 2 फंदे एक साथ, 11th रो कंप्लीट हो गए। 12th रो हमारी रॉन्ग साइड की, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 13वीं लाइन हमारी राइट साइड की है, 13th रो हमने कैसे बुनना है, एक फंदा किनारे का, 2 फंदे एक साथ, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा हमने बुना और ये 3 फंदे एक साथ। 1 सीधा, ऊन आगे, यहाँ पर हम जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा भी हमने बुन लिया। तो अब 3 फंदे एक साथ बुनेंगे, 1 सीधा, एक बार फिर ऊन आगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे बुनने के बाद ऊन आगे और जाली, 2 फंदे सीधे, 14th रो हमारी रॉन्ग साइड की है। अब हमने एक बार फिर से उनका रंग चेंज करना है,
स्काई कलर में हमने रेड कलर लगा लिया। एक कलर और हम इसमें ऐड करेंगे पर्पल, आप अपने पसंद का कलर ऐड करें, यहाँ पर मैंने पर्पल जोड़ देना है। अब हम बुनाई शुरू करते हैं। दो फंदे बिना बुने उतार लेंगे और उसके बाद पर्पल कलर से हमने बुनाई करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 सात फंदे पर्पल से बुनने के बाद तीन फंदे बिना बुने फिर से उतार लेंगे। एक बार फिर पर्पल से बुनाई शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक फंदा बिना बुना हुआ, ये देखिए चेंज हो गया जगह। या हमने रेड यहाँ पे डाला था और अब जो बीच का खाली जगह था वहाँ पे पर्पल कलर के ऊन आ गए। 15th रो हमारी राइट साइड की है, पहला फंदा हम स्किप करेंगे और सारे पर्पल फंदे बुनेंगे उल्टा ताकि आगे की तरफ उल्टे फंदे नजर आए धारी की तरह। तीन फंदे स्किप करेंगे और फिर से सात फंदे उल्टे पर्पल के। 3, 4, 5, 6, 7 उन पीछे ये दो फंदे हमारे बिना बुने हुए। ये हमारी 15th रो कंप्लीट हो गई। 16th रो 16वीं लाइन हमारी रॉन्ग साइड की है, स्काई कलर से यानी कि प्राइमरी कलर से हम बुनाई करेंगे और सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे और इसी के साथ हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये सारे फंदे सिंपल तरीके से हमें उल्टा बुन लेना है। और ये देखिए ये हमारी 16th रो कंप्लीट हुई और इसी के साथ हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब हमने फिर से 1st रो से बुनाई करनी है प्राइमरी कलर से और आगे हम जब इस पैटर्न को बुनेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो आप इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको यह पैटर्न कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।